आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से हम सिरसा ज़िला के रानिया हलके के अंदर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसी के तहत हम रानिया हलके में आए हैं। रानिया के तहसील करालिया में है। यहीं से आज हम लोगों के बीच में जाकर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो सरकार को कितना क्रेडिट देते हैं। तो आइए हम रानिया की गली गली, रानिया के 15 वार्ड, रानिया के 65 गांव और रानिया के जो 16 ढानियां हैं वहां लोगों के बीच में पहुंचकर लोगों से उनकी राय जानते हैं। इसी के बीच में हम रानिया तहसील के अंदर है और आप हमारे साथ देख रहे हैं कि रानिया तहसील के अंदर लोग अपने सरकारी कार्यों के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं या उनकी क्या राय। इसी के साथ मेरे साथ एक भाई साहब, इनसे जानना चाहेंगे, सर आप 100 में से कितने नंबर इस सरकार को देना चाहेंगे? ये सरकार ने तो 40। आपके इस रानिया हलके के अंदर लगभग 2 दर्जन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, तो इस बार कैसा लगता है कि रानिया विधानसभा में इनेलो, भाजपा या कांग्रेस में कौन प्रत्याशी आगे विधानसभा में जाएगा? आगे कांग्रेस की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो 2 दर्जन लोग खड़े हो चुके हैं। लोगों तो आपकी उम्मीदा खातर सारा ही जोर लगा हुआ, भी टिकट मिलने खातर भागदौड़ सारा ही करा है। जो दावेदारी है वो सरकार अपने आप चुन के उनको देगी। लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। लोगों का रुझान काफ़ी कांग्रेस की तरफ है। और इसी के साथ हमारे साथ एक ताऊ जी और हैं, इनसे क्या लगता है इस बार आपको रानिया के? कोई मेरे को नहीं लगा। और आइए अभी और भी लोग हमारे बीच में, इनसे जानने। तो जी आप क्या कहते हैं, सरकार को 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में से जी 80 या 90 नंबर देना चाहेंगे हम तो। 80। तो आपके रानिया हलके में क्या लगता है, इस बार कमल का फूल खिलेगा या हाथ का पंजा या INLD का चश्मा? यहाँ से BJP आएगी, क्योंकि कांग्रेस के चेहरे बहुत हैं, 10 चेहरे हैं। उनकी आपस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। कोई एक को टिकट किसी को मिल जाएगी तो वो एक दूसरे को काटने की करेगा, ठीक है जी। और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। जैसे कि रणजीत सिंह जी हैं, उनके सामने कोई चेहरा नहीं है ना। और अदर में जैसे सिरसा में जाएं तो अदर में सामने कोई चेहरा होता है। रानिया में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए चौधरी रणजीत सिंह आगे चल रहे हैं, क्योंकि BJP से उनके पर्सनल वोट है 20-25 हज़ार। और अब BJP को 47 हज़ार वोट आए थे, मतलब कि अशोक तंवर को। तो ऐसे करके ये ज़्यादा ग्राफ इनका तो बढ़ रहा है। जी जी बिल्कुल, भाई साहब का कहना था जिन्होंने अपनी बात पे। और हम नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में एक और भाई साहब है। जी सर, आप इसी के बीच में हमारे साथ एक और शख्स है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर आप रानिया के तहसील करालिया के अंदर आए हैं, तो सरकार की नीतियों से आप कितना खुश हैं, यानी सरकार को आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? सरकार की नीतियाँ तो बहुत अच्छी हैं, परंतु कई बार अफसर लोग सरकार की नीतियां पब्लिक में लागू नहीं करते और उसमें सरकार की बदनामी होती है। सरकार तो 100% सही है। जी सर, क्या लगता है इस बार रानिया विधानसभा से कमल का फूल खिलेगा या हाथ का पंजा चलेगा? ऐसा है, कमल का फूल की बात यह है कि देखो वो कैंडिडेट कौन आता है, उसके हिसाब से ही ये निर्णय लिया जा सकता है। जी तो आइए अब हम रानिया के गली गली के चप्पे चप्पे में जाकर अपना सर्वे शुरू करते हैं। हम रानिया के नकोड़ा बाजार के अंदर आ चुके हैं। अब हम रानिया की एक एक गली नापने की कोशिश करेंगे और वोटर की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। इसी के बीच के अंदर सतगुरु ज्ञाननाथ कला हाउस है, जहां पर हम करनैल सिंह जी, एक टेलर है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए करनैल सिंह जी से जानते हैं। करनैल सिंह जी क्या कहेंगे, रानिया के अंदर विधानसभा चुनाव की सुख बुगाड़ शुरू हो चुकी है, तो क्या आपके दर पर, आपकी दुकान पर भाजपा, कांग्रेस या इनेलो का कोई नेता आया है? ना भाई, साढ़े कोल तो कोई नहीं आया। साढ़े कोल तो कोई ना, कोई इनेलो दा आवे तो ना कोई कांग्रेस वाला हो। जी जी, सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे 100 में से? सरकार नु की देना है? सरकार सानू की देंदी है? सरकार सानू की देंदी है? नंबर तो तू दा देना, भी की दई है ओनू। आइए बाबा जी से पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, तुहानू पता है 2024 का चुनाव बिल्कुल सरे आ गया है, सिर्फ 2 महीना रह गए। रानिया दी था
लोग नेता लोगों के घर घर जा रहे हैं। की लगता है ऐतकी बारी कमल का फुल खिलेगा या इनेलो का चश्मा लगेगा या कांग्रेस का हाथ बिंगमा एक ही इतिवाद है प्रजातंत्र जी को काम जान बिंग काम देखेगा काम देगा काम के विचार में चुनाव हो सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट है 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप 95 अपने सरकारी कार्य हेतु इसी पटवार भवन में पूछते हैं तो आप हमारे साथ हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से अब देखिए अब हम रानिया के बाजार के बीच में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं। हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से हम गांव अभोली में पहुंच चुके हैं और अभोली के अंदर आप हमारे साथ अभोली गांव के बुजुर्गों को देख सकते हैं। आइए हम इन बुजुर्गों से राजनीतिक विचार विमर्श करते हैं। तो मेरे साथ सिद्धार्थ जी जानना चाहेंगे जी क्या आपके गांव के अंदर आखिर सरकार को आप कितना नंबर देना चाहेंगे 100 में से? हम तो 100 ही देना चाहते हैं जी। हाँ क्योंकि हमारे लिए तो मोदी सरकार बहुत अच्छी है, हमारे बहुत काम कर रही है, हमारे बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, हमको तो बहुत फायदा है। हाँ जी बुजुर्गों को पेंशन दे रही है 100 में से अंकल जी 100 नंबर देना चाहेंगे दाऊ जी। इनसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस बार रानिया हलके के अंदर कांग्रेस भाजपा या इनेलो में कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखो जी अभी तो मोदी ने पौनी वोटा कोई भारी पवे को ना पवे कोई पवे भारी चाहे ना पवे इनसे और प्रतिक्रिया जान सकते हैं। तो जी क्या लगता है आपके गांव में कोई कांग्रेस का नेता आपके गांव में आ रहा है या नहीं? अरे मोदी सरकार ने पानी वोट 100 की 100 नेते सारे ही आते हैं पर जो मन है जिथे उत्थे ही।